हे गाइस वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप सभी को एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही सिलेक्टिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराने जा रही हूँ ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक देखना स्किप मत करना बहुत ही सिलेक्टिव वन वर्ड सब्सटिट्यूशन है एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है हम सभी के लिए चलिए लिंग्विस्ट फर्स्ट है लिंग्विस्ट दैट इज बहुभाषाविद वन हु स्पीक्स मैनी फॉरन लैंग्वेजेज एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है अपनी कंट्री की लैंग्वेज तो बोल ही सकता है साथ में दूसरी कंट्री की लैंग्वेज भी बोल सकता है दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट सेकेंड इज मैन्यूस्क्रिप्ट मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि देखिएगा इस प्रोनांसिएशन का भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रोनाशिएशन भी मस्ट आप कन्वर्सेशन करते हैं किसी से भी वहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए आपको प्रोनंसिएशन का सही होना जरूरी होता है आपके ठीक है गाइज चलिए मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिपि मैटर रिटर्न बाय हैंड हाथ से लिखा हुआ कोई भी चीज़ जैसे कि कोई बुक है वो हाथ से लिखी है किसी ने दैट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ मैटर रिटर्न बाय हैंड थर्ड इज़ इंटरसेप्ट रोकना टू चेक और स्टॉप ऑन वे रास्ते में रोक लेना रोककर कुछ चेक करना दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट रोकना फोर्थ इज इनविजिबल अदृश्य दैट विच कैन नॉट बी सीन वह जिसे देखा ना जा सके जिसको आप देख नहीं सकते दैट इज कॉल्ड इनविजिबल अदृश्य फिफ्थ इज गैलरी प्रदर्शनी स्थल ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क ऑफ आर्ट एक ऐसी जगह जहाँ पर आर्ट आर्ट क्या होता है कुछ भी हो सकता है जैसे पेंटिंग पेंटिंग ले लीजिए आप कोई अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन तो आपने सुना ही होगा तो इसी तरह से एक बिल्डिंग होती है रूम होता है वहाँ पर आर्ट शो की जाती है कला शो की जाती है किसी ने पेंटिंग बनाई तो वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी ठीक है गाइज दैट इज कॉल्ड ए रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट सिक्स इज होमिसाइड मानव हत्या मर्डर और मर्डर ऑफ मैन जब एक आदमी दूसरे आदमी का मर्डर कर देता है एक इंसान दूसरे इंसान को मार देता है दैट इज कॉल्ड होमिसाइड मानव हत्या सेवंथ इज एमिग्रेंट, प्रवासी ए पर्सन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लीव एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री छोड़कर या एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने लगता है दैट इज कॉल्ड एमीग्रेंट एट्थ इज डिसिमलेट छिपाना टू हाइड और डिस्काइज डिसिमलेट का मतलब होता है छिपाना हाइड और डिस्काइज प्रोनाउंसिएशन का गाइज ध्यान रखना देखिए इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे ओके गाइज आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा चलिए नेक्स्ट इज नाइन्थ है एलिजिबल एलिजिबल योग्य फिट टू बी चूजन क्वालिफाइड जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं सभी आपको तो आपसे ज्यादा तो कोई जान ही नहीं सकता एलिजिबल का मतलब आप कुछ कोई भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी कहते हैं बताइए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है तो एलिजिबल का है योग्य कि उस एग्जाम के लिए आप योग्य हो या नहीं हो उस चीज के लिए आप योग्य हो या नहीं हो दैट इज कॉल्ड एलिजिबल फिट हो या नहीं हो फिट टू बी चूज क्वालिफाइड टेंथ इज बुरु गंवार पर्सन हु इज़ रफ एंड इल मैनर्ड एक ऐसा पर्सन जो जिसमें मैनर्स नहीं होती एटिकेट्स नहीं होते तमीज़ नहीं होती बात करने की दैट इज़ कॉल्ड बुरिश गंवार पढ़ा लिखा इंसान कभी भी इल मैनर्ड यू नो पढ़े लिखे इंसान में मैनर्स होती हैं एटिकेट्स होते हैं हर किसी को बहुत इज्जत देता है एक लिटरेट पर्सन ओके गाइज चलिए ये थे हमारे टेन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आई होप आप सभी को ये टेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पसंद आए होंगे बहुत सिलेक्टिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे मिस मत कीजिएगा ओके गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन जरूर करना थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आपको पसंद आया या नहीं आया और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग